खबर उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के बाटेश्वर रोड पर बसर रपड़ी गांव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसका जुड़ा भगवान श्री कृष्ण जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के बाबा दादा तीन भाई थे, बड़े सूर्यसेन जिनकी बाटेश्वर शोरी में पूर्व, दूसरे चंद्रसेन जो अब फिरोजाबाद, तीसरे रायसेन जो रायपुरी जो अब रपड़ी। इस गाँव में अब सरकार इस गाँव के विकास है तो यमुना नदी किनारे पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई है, इसलिए आज वन विभाग के टूरिज्म डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार अब इस गांव के यमुना किनारे मठ नामक स्थान पर पर्यटन के विकास के लिए अब स्थान को चुना गया है। ग्रामीणों के अनुसार इस स्थान पर अपराधियों की गतिविधियां सक्रिय थी, जगह जो अपराधी एकत्रित होते थे, अपराधियों से बचाव सुरक्षा की मांग की। किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ सर? ये आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील में रपड़ी वन ब्लॉक के अंतर्गत स्थित ये मठ इको टूरिज्म सेंटर है और इसका विकास करने के लिए हम लोग ने इस स्थल का अभी बहुत जल्दी खोजा है, इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए और आज इको टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया गया है, तमाम स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। ये यमुना नदी के किनारे स्थित मंदिर है जो कि मठ के नाम से विख्यात है, ये लगभग 500 वर्ष पुराना है। इसके अतिरिक्त ये बड़ा ही रमणीक स्थल है, यहाँ पहले से लगभग 40 वर्ष पुराना गोलहट बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बीहड़ क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही मनोरम स्थल है और इसको बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पे स्थानीय जन सामान्य के लोग आएँ, पिकनिक मनाएँ और हमारे इस स्थल का अच्छे ढंग से विकास हो और वो अपने तनावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर आके खुशहाल जीवन जिए। यहाँ पुराने लोग ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाबा तीन भाई थे, रायसेन, सूरसेन और चंद्रसेन। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो सूरसेन जी थे वो सौरीपुर के रूप में उन्होंने विकसित किया है और चंद्रसेन चंद्रवा गेट फिरियाबाद में एक बहुत पौराणिक स्थल है, प्राचीन स्थल है, वहाँ विकसित हुआ है। और रायसेन ये रायपुरी, यही रायपुरी और फरपड़ी रपड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग गौरवान्वित हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान का भी यहाँ से नाता रहा है, हम लोगों के लिए गर्व की बात। फिरोजाबाद से बृजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।